प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज एक कहानी की ओर चलते हैं, रोमन साम्राज्य की कहानी। यह भविष्यवाणी की गई थी कि लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर की ओर से एक मसीहा भेजा जाएगा, पर अभी तक कोई मसीहा नहीं आया था। साल बीतते चले गए। फारस के राजाओं को फिलिस्तीन से निकाल दिया गया। वे अपनी पवित्र धरती से यूनानी सेना को द्वारा निकाल दिए गए थे। कई बार कोई इजरायली शासकों के खिलाफ खड़ा हो जाता। जूदास मैकाबियूस ने यूनानियों को खदेड़ दिया, पर जल्दी ही महान रोमन साम्राज्य ने फिलिस्तीनियों पर धावा बोल दिया और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपनी सरकार और धर्म चलाया। उन्हें इजरायलियों का परमेश्वर की पूजा करने का तरीका बहुत विचित्र लगा। एक रोमन सेनापति पोम्पी सुलेमान के मंदिर में गया और जाकर देखा कि वे किसी पूजा करते थे। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वहां कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं थी। रोमन साम्राज्य ने जुदा में एक राजा बना दिया। वह लोगों से कर जमा कर और उसे रोम भेजता। राजा को ताकतवर रोम सेना से बल मिलता था जो फिलिस्तीन और उसके आसपास के इलाकों में रहती थी। जुदा में हेरोदेस नामक राजा था। वह बहुत ही चतुर और दुष्ट था। उसके मन में अपनी प्रजा के लिए कोई करुणा नहीं थी। वहां के लोग उससे डरते और नफरत करते थे, पर उन्हें मजबूरन उनका हुक्म मानना पड़ता। लोग अक्सर प्रार्थना करते कि कोई आकर उन्हें हेरोद और रोमों के अत्याचारों से बचा ले। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने मसीहा को धरती पर भेजने का रहस्यमय काम शुरू कर दिया था। यह कोई आम मसीहा नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र था जो नया मसीही बनकर आने वाला था। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मसीहा इस जगत में आया ताकि हर एक जाति उद्धार पा सके। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आय की आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।